आखिरकार अनिल देसाई आए थे? अनिल देसाई जी आए थे एयरपोर्ट पे, वो उन्होंने वे पे लॉन्च से मुझे फोन किया, मगर हमारे आनंद राव जी अरसुल जो दूसरे एमपी हैं सीनियर, हम दोनों भी सीनियर, हम दोनों भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा कि जब तक उद्धव जी की और मोदी जी की बात नहीं होती, जब तक उधर से आदेश नहीं आता, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। अगर आदेश आएगा तो इमीडिएटली हम लोग सब साथ में चले जाएंगे। उनका ही नाम अकेले का था, उनका नाम कैबिनेट में रखा गया था, बाद में राज्य मंत्री बताया गया। और हमको जिसका मतलब जिसके भी नाम देने के थे वो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन तो क्या शिवसेना को इस बात का भी गुस्सा है कि सुरेश प्रभु का नाम बहुत दिया है? बीजेपी के नेता जो है, मतलब चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो, उनको कोई मतलब नहीं था कि सुरेश प्रभु जी को लेने के लिए। सुरेश प्रभु जी को लेना है तो माननीय उद्धव जी को बोल के उनका एक अलग बीजेपी के कोटा में लेना चाहिए, लेकिन वो बीजेपी के कोटा में न लेते ही उन्होंने उनका नाम अभी सर्वप्रथम उनकी शपथ भी दी हुई। ये तो ठीक नहीं ना, ये अगर ये शिवसेना के बारे में जैसा ये उनका बिहेवियर है, ये अपमानास्पद है। हम मैं तो बाला साहब ठाकरे जी का कट्टर शिवसैनिक हूँ, अभी उद्धव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग कैसे सहन करेंगे कि हमारे अपमान ऐसे कर रही है? ये जानबूझ के जो पार्टियां हैं अपने रीजनल पार्टियां, उनको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इनकी जो चालबाजी चल रही है वो तो कोई मतलब किसी भी स्टेट के लोग नहीं मानेंगे। अभी ये शिवसेना को खत्म करने के लिए जो शिवसेना की अलायंस जो हिंदुत्व के बारे में थी, माननीय बाला साहब ठाकरे जी, प्रमोद जी, गोपीनाथ जी और केंद्रीय नेतृत्व माननीय अटल जी और आडवाणी जी ने ये अलायंस किया था 25 साल पहले, और आज ये अलायंस इन्होंने तोड़ दिया और जानबूझ के उनको ये बता रहे कि हम लोग सब कुछ है, हमारे हाथ में पावर है, तो ये तो ज्यादा दिन नहीं चलता। अनंत गीते जी अभी भी मंत्री है, अभी क्या उस पर भी सवाल या निशान लगे? तो अभी जो मीटिंग चल रही है पार्टी की वहाँ मुंबई में शिवसेना भवन में, तो वहाँ माननीय उद्धव जी डिसाइड करेंगे और फिर जो भी उन्होंने जो कहेंगे वो होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज जो 4 बजे मीटिंग होने वाली है उसमें लगभग ये तय है कि अब शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल नहीं होगी? क्योंकि बीजेपी सरकार जो महाराष्ट्र का उन्होंने बनाया, वो हम लोग शामिल होने के बाद में एनडीए सरकार हो जाएगा, लेकिन एनडीए सरकार में मतलब इन्होंने कुछ बातचीत ही नहीं करी कि कितने हम लोग मंत्री बनाएंगे, कितने नहीं बनाएंगे। ये कम से कम 15-20 दिन से चल रहा है, अभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, जानबूझ के टालम टोली चल रही है बीजेपी के वहाँ के नेताओं के और यहाँ के नेताओं के। ये तो ठीक नहीं, शिवसैनिक कब तक ये अपमान सहन करेगा? हम लोग तो कोई सहन नहीं करेंगे। और माननीय उद्धव जी ने जो भूमिका ली है कि जब यहाँ की बात नहीं करते तो वहाँ की दिल्ली की क्यों बात करेंगे, इसलिए उनकी भूमिका बिल्कुल करेक्ट है और हम लोग सारे शिवसैनिक माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले हैं।